हाँ जी तो घर पे नहीं है, वो शूटिंग पे गई है, फिल्म की शूटिंग पे। हाँ जी, नहीं नहीं नो टीवी, नो 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 टीवी, नहीं शी नॉट डूइंग नो टीवी। अरे आप बार बार क्या बोल रहे हैं, नो टीवी नो टीवी। अच्छा आपके चैनल का नाम है नो टीवी, ओ आई एम सो सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं आता है नो टीवी। हाँ शट अप, नहीं हमारे यहाँ तो नहीं आता है। तो, ओ सॉरी तुम हो, मुझे लगा वो कचरे वाली आई है। सॉरी सॉरी, किसका फोन है? ओ नो टीवी चैनल से तुम्हारे लिए फोन है। टीवी चैनल से मेरे लिए? हाँ। हेलो, यस प्रेमा हियर, यस 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 द प्रेमा शालिनी। हाँ टी टी व्हाट मैं? ओ यस यस ऑफ कोर्स एनी टाइम। हाँ दोबारा फोन कीजिए। ऑल राइट यस यस यस, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। टाटा। देव क्या वो ब्रिलियंट ऑफर, तुम्हें टीवी सीरियल में काम दे रहे हैं? शट अप गर्ल, मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ, मैं टीवी पर क्यों काम करूंगी? मुझे लगा शायद आजकल हालात जरा कमजोर चल रहे हैं, शायद कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। देव सॉरी, मुझे टीवी पर एक्टिंग के लिए नहीं, मुझे पूरा प्रपोजल दे दिया उन्होंने, कहा डायरेक्टर तुम चूज करो, राइटर तुम चूज करो, एनीबॉडी यू वांट। सो नाइस, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर तो मैं ही बनूंगी। लेकिन तुम्हें तो डायरेक्शन का एबीसी भी नहीं मालूम। तो क्या हुआ, आजकल ऐसे ही डायरेक्टर्स को तो चांस मिलता है जिन्हें कुछ नहीं आता। सो आई विल डू ब्रिलियंटली, लेकिन मैं क्या करूंगा? तुम स्पॉट बॉय बन सकते हो। पानी कितना अच्छा पिलाते हैं सबको। कितना एक्साइटमेंट है स्पॉट बॉय पर। अच्छा लिसन डियर, राइटर कौन होगा? आई मीन हमें स्टोरी चाहिए, वी नीड अ गुड स्टोरी। ये लो चिंटू बेटे, ये तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हो गया। क्या डैडी, कॉपी करते हो फिर भी ऐसे ठीक से नहीं लिख सकते? क्या हुआ? ये देखो ना, सारी स्पेलिंग रॉन्ग है। अरे कॉपी करोगे? आपको अरे कान छोड़ो उसका। अरे तुम उसकी हरकतें देखोगी तो तुम अपना कान पकड़ लोगी कि तुमने ऐसे बेटे को जन्म क्यों दिया। क्यों? ये सिर्फ मेरा बच्चा है। इसकी हरकतें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। क्यों, क्या किया है इसने? अरे मैंने उसे अच्छा खासा रेन पर एक ऐसे लिख के दिया और यह है कि उसमें से खामियां निकाल रहा है। ये सच है? लो मम्मी आप भी फैसला करो। केशु, कैमल का स्पेलिंग सी ए एम ई एल होता है, तुमने के एम ई एल लिखा है। आर यू श्योर कि सी होता है? शट अप केशु। और ये क्या है, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम? अरे ये तो हिंदी फिल्म का गाना है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने इसे में जरा रिदम डाला है, विजुअल क्रिएट किया है। केशु प्लीज तुम उसे मत पढ़ाया करो, बेचारा फेल हो जाएगा। अरे क्या बकवास कर रही हो कोकी, जानती हो कॉलेज के जमाने में मेरे एसएस कॉलेज डे पर पढ़कर सुनाए जाते थे। वो इसलिए सुनाए जाते होंगे मिसाल देने के लिए कि एसएस किस तरह से नहीं लिखने चाहिए। अरे जाओ जाओ जाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरे मैंने तुमसे शादी नहीं की होती ना तो आज मैं बहुत ही बड़ा लेखक बन जाता। अरे तो उसमें क्या है, वो तो आप अब भी बन सकते हैं। रूबा जी आप और ईश्वर, वो भी केशु के होते हुए। ओके जी, आज मैं आपसे नहीं अपने भाई से मिलने आया हूँ। क्यों, आज तो मैं बालकनी में नहीं गया। इसलिए तो मैं आपको एक अच्छा ऑफर देने आया हूँ। ऑफर? कौन सा ऑफर? दरअसल क्या है, डॉल ना एक सीरियल बना रही है जिसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले डॉल का ही है। वेरी गुड। लेकिन उसे राइटर के लिए आप चाहिए। अच्छा रूबा जी आप होश में तो है? क्यों, केशु थर्ड फोर्थ के एसेज नहीं लिख सकता और आप उसे डायलॉग्स लिखने के लिए बोल रहे हैं? ओके नहीं नहीं, लेकिन डॉल ने इसे शॉर्टलिस्ट करके चुन लिया है। अच्छा हाँ, क्यों? वो डॉल चाहती है कि राइटर ऐसा आदमी हो जो कि 24 घंटे फ्री रहता हो, आसपास मंडराता हो और जिम में एक बॉल पॉइंट पेन रखता हो। क्या बात है केशव, पेन से अपना माथा क्यों पीट रहा है? क्या करूं गोखले, प्रेमा जी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। क्या क्या? अरे प्रेमा जी एक मेगा सीरियल बनाने जा रही है और उन्होंने मुझे कहा केशव जी सीरियल के डायलॉग्स आप लिखेंगे। अरे केशव तुझे हमेशा ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं जिसके तू काबिल नहीं है? बता रहता है इंडिया। अच्छा एक बात बता गोखले, बोल। तू कभी कभार ड्रामा में रामलीला में काम करता रहता है तो ये बता डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं? केशव मैं तो सिर्फ डायलॉग बोलना जानता हूँ, लिखना थोड़ी जानता हूँ। अरे फिर भी कोई तो फॉर्मूला होगा डायलॉग्स लिखने का। केशव तू एक काम कर, हाँ। आज से टीवी का हर एक सीरियल देखना शुरू कर। हर एक सीरियल मैं देखूं? तू ये चाहता है कि अगले 6 महीने में मैं गुजर जाऊं? कोई वांदा नहीं यार, कोई वांदा नहीं। तो मतलब यार तुझे कुछ डायलॉग्स तो मिल जाएंगे। अरे दूसरे सीरियल के डायलॉग्स मैं कैसे चुरा के लिख सकता हूँ यार,
लोग क्या कहेंगे? अबे लोग तो तब कहेंगे जब वो तेरा सीरियल देखेंगे। आजकल लोग सीरियल नहीं एड्स देखते हैं। तो फिर इतने सारे सीरियल चल क्यों रहे? ये सीरियल नहीं केशव, ये सीरियल प्रोड्यूसर्स की तकदीर चल रही है। नहीं फिर भी गोखले, मुझे लगता है कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। अबे लोग तो पूरा का पूरा प्लॉट चुरा कर अपने नाम पर ठोक देते हैं। तू तो यार सिर्फ डायलॉग चुरा रहा है। ये बात है गोखले, तो बस समझ ले आज से ये केशव बन गया राइटर। फानी रात है। आसान बारिश, बड़े बड़े मेंढक टर्रा रहे हैं। वाह, क्या डरावना सिचुएशन है। आगे सुन, डरावना सिचुएशन। अचानक अचानक बादलों की कड़कड़ाहट। कट्टू, कट्टू, ये कौन सा कैरेक्टर? नहीं ये कैरेक्टर नहीं है, ये टेक्निकल है, इसको भूल जाओ। अच्छा, कट्टू, कट्टू। एक आदमी अपने बिस्तर से नीचे गिरता है। टपक, टपक। ये क्या? एक ही आदमी बिस्तर से दो बार गिरता है? नहीं, गिरा तो एक बार, लेकिन पट्टा जरा बड़े कमरे में सोया है ना, तो इको की आवाज। इतनी हिल्लूरी सिचुएशन है और तुम डर रहे हो। अरे मुझे तो लगा ये कोई हॉरर स्टोरी है। देखो जी, कॉमेडी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने सोचा आप मेरी कहानी सुनकर हंस हंस कर लोट पोट हो जाएंगे। प्रेमा जी, आपको बताना चाहिए ना कि ये कॉमेडी है। तुमने ने बताया नहीं कि कॉमेडी है। मैं समझा इनको मालूम होगा कि स्टोरी सेटिंग क्या होती है। स्टोरी सेटिंग क्या होती है? स्टोरी सेटिंग में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, हम सब बैठकर प्रोड्यूसर की हाँ में हाँ मिलाते हैं और प्रोड्यूसर के घटिया से घटिया जोक पर ठहाके मार मार के जोर से हंसते हैं। ऑडियंस बाद में हंसे ना हंसे, लेकिन हम स्टोरी सेटिंग में बहुत हंसते हैं। आगे 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 हमारा हीरो कड़कती धूप में सड़क पर बाहर घूमने निकला। कड़कती धूप में, what a situation! अभी अभी बारिश हो रही थी, अब कड़कती धूप। अरे यार, वेदर चेंज हो गया भाई। ओह, वेदर चेंज, सीन चेंज हो गया। ओह, सीन चेंज हो गया। सीन चेंज, अरे सुन तो लेना, सुना है नहीं गधे की तरह हंसता ही जा रहा है। सीन चेंज, बताइए प्रेमा जी। आगे से एक खूबसूरत लड़की आती है। बोलिए बोलिए। वो उस आदमी से पूछती है, आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? धूप में क्यों खड़े हैं? सुने ना, सुन ले पहले। वो आदमी जवाब देता है, मैं चांदनी का इंतजार कर रहा हूँ। चांदनी का मतलब रात तक इंतजार करने वाला था, चांदनी का इंतजार। हीरोइन का नाम चांदनी है। चांदनी है। हीरोइन का नाम चांदनी है। मॉडर्न कॉमेडी। हीरोइन का नाम चांदनी है। मॉडर्न कॉमेडी, मॉडर्न कॉमेडी। आपने बहुत हंसाया, मुझे बहुत हंसाया। मुझे लगता है प्रेमा जी अगले दो साल तक मैं कोई कॉमेडी सीरियल देख नहीं पाऊंगा। मॉडर्न कॉमेडी। लेकिन प्रेमा जी, एकेडमिक लेवल पर एक प्रश्न उठता है। कैसा प्रश्न? इसमें कॉमेडी कहाँ है? As a director, मैंने आपको सिचुएशन दे दी है, अब डायलॉग्स आएगी ना, कॉमेडी डायलॉग्स आप लिखेंगे। राइटर साहब, कॉमेडी तो आपको लिखनी है ना। मुझे लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो लिख लेंगे ना। लिख लेंगे। लेकिन प्रेमा जी, इतनी छोटी स्टोरी। भाई क्या है, आजकल का ये स्टाइल है। पहले एपिसोड में कहानी वानी कुछ नहीं होती है, खाली एक्टर आते हैं और अपने किरदार के बारे में बकबक करके चले जाते हैं। होता होता कुछ नहीं है। राइटर साहब, एक चीज ध्यान में रखिए। मुझे बिल्कुल हट के कॉमेडी चाहिए। हमारा सीरियल एकदम हट के होना चाहिए। हट के करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो चार साल तक तो हमारा सीरियल चलना चाहिए। चल जाएगा, चल जाएगा। ये नहीं कि पहला एपिसोड आया एयर पर और फिर गुल। हटके हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ प्रेमा जी, आपके साथ हूँ। लेकिन आपके साथ हूँ प्रेमा जी। ठीक है, सुन लिया ना, सुन लिया। हटके।
हेलो, हाँ नो टीवी, यस यस, हाँ जी, नहीं नहीं शूटिंग हो गई है, सब रेडी है, प्रेमा जी एडिटिंग पे बैठी हैं, हाँ मिक्सिंग करके कल तक आपका कैसेट पहुंच जाएगा आपके पास। रेडी, शैल वी स्टार्ट? नो, वी शुड वेट फॉर अ मिनट, क्या है कि हमारे सिलेक्शन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट आनी बाकी है अभी। वाइस प्रेसिडेंट, ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, हेलो, ओके, हेलो, मिस स्टार्ट प्रेमा, ओह ओके, आई विल स्टार्ट। एक मिनट प्रेमा जी, ऑल द बेस्ट। ठीक है, प्रेमा जी आपने कैसेट तो रिवाइंड कर लिया है ना? हाँ, क्या? क्यों? मैं टाइटल में मैं अपना नाम देखना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम है ना टाइटल में? है। साइलेंस। सॉरी। सॉरी सर। सॉरी। ऑलराइट सर। ऑलराइट सर। राइट। वाह, क्या सीरियल है ये? टाइटल में मेरा नाम किधर है? बाद में, बाद में। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप बोलेंगे हमारा ये एपिसोड देखने के बाद। देखिए, कॉमेडी तो कोई भी बनाता है, लेकिन हमने जो कॉमेडी बनाने की कोशिश की है उसमें खास बात डाली है आपके लिए। वो ये कि हमने जनता को हंसाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। क्योंकि हमारी सिचुएशन इतने धांसू है कि आपको अपने आप हंसी आ जाएगी। और जो लोग नहीं हंसेंगे बहन और भाइयों, उनके लिए खास हमारे आदमी जाएंगे हमारे स्टूडियो से उनको गुदगुदाने के लिए। तो अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक मिनट। एनी प्रॉब्लम सर? ये क्या है? ये जो लाफ्टर ट्रैक आपने डाला है, हंसी की आवाज, उसकी क्या जरूरत है? हम भी वही बोलना मांगते हैं। चलिए, क्या हम क्या लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उन्हें कहाँ हंसना है? Exactly. और वैसे भी कई कॉमेडी सीरियल्स में तो लाफ्टर ट्रैक डालते नहीं है, फिर भी सीरियल कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। एक्चुअली कॉमेडी सीरियल में लाफ्टर ट्रैक डालने की दो वजह होती है। कौन सी? पहली वजह यह की कॉमेडी सीरियल दर्शक थिएटर में जाकर नहीं देखता है, अपने घर में अकेला बैठकर देखता है। तो अगर हम सही और अच्छे जोक पर अगर लाफ्टर ट्रैक डालते हैं तो दर्शक को ये लगता है कि वो घर में अकेले नहीं, थिएटर में क्राउड के साथ, सही एटमॉस्फेयर के साथ सीरियल देख रहा है। या यू नो, आई मीन कॉमेडी अकेले बैठ कर देखने की तो चीज है नहीं, यू नो, ये तो क्राउड में एक साथ बैठकर एंजॉय करने की चीज है, इसीलिए हम कॉमेडी सीरियल में लाफ्टर ट्रैक डालते हैं। क्या बात है प्रेमा जी, क्या बात है। ठीक है। आप बैठेंगे, बैठ जाएंगे सर। और वो आपका दूसरा वजह क्या था? दूसरी वजह ये कि आप लोग सीरियल में बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वेल ऑब्वियसली सीन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली, तो जो इफेक्ट सीरियस सीरियल में बैकग्राउंड म्यूजिक करता है, वही इफेक्ट कॉमेडी सीरियल में लाफ्टर ट्रैक करता है, यू नो। आर यू गेट मी? फाइनली यू डू। कैन वी स्टार्ट अगेन नाउ? श्योर। हां तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, थूकदान, पीकदान। गटर 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 टक टक गटर 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 गटर। पेश है हमारे सिचुएशनल, सीजनल, ओकेजनल, हटके, हिलूरियस कॉमेडी, थोड़ा हटके, थोड़ा डटके। तलरेजा पिंक कलर का सूट पहनकर एंट्री लेता है, हाथ में 1.5 करोड़ की बैग उठाता है और इमीडिएटली एग्जिट ले लेता है। वाह, क्या ग्लैमर बनेगा, क्या ग्लॉस बनेगा, इस चैनल वाले को तो ग्लॉस ही ग्लॉस चाहिए। केशव, ये तुम दो दो पेन से क्या कर रहे हो? मेरे अगले दो सीरियल के डायलॉग्स लिख रहा हूँ एक ही साथ। क्या करूँ, बिजी राइटर हो गया हूँ। केशव, एक बात बताओ, गलती से भी किसी से मत कहना कि प्रेमा शालिनी के सीरियल के डायलॉग्स तुमने लिखे थे। क्यों, तुम मुझसे जलती हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बकवास वाहियात सीरियल देखकर लोग इतने भड़क गए हैं कि उस सीरियल के राइटर को घर में घुसकर मारने की सोच रहे हैं। क्या? डॉल? डॉल? डॉल, हमने जो सीरियल बनाया था ना, हाँ? उसकी टेलीविजन पॉपुलैरिटी रेटिंग आ गई है। ओह माय गॉड, क्या है हमारी पॉपुलैरिटी रेटिंग? क्या है? रेटिंग है 84%। जी,
84 करोड़ लोगों में से खाली 84 लोगों ने वो देखा है। लेकिन दिल, हमने तो अपना सीरियल कितना हट के बनाया था, इसलिए चैनल ने हमको इनाम भी हट के दिया है। क्या इनाम दिया है? उन्होंने हमारा प्रोग्राम चैनल से हटा दिया है। ओह नो, चुप। ये दो दो मिनट के बाद तुम क्यों भयानक भयानक हंस रहे हो? क्योंकि मैं कॉमेडी सीरियल के डायलॉग्स लिख रहा हूँ। ये तो कॉमेडी सुनने के बाद लोगों को हंसी आनी चाहिए, तुम खुद ही हंसे जा रहे हो। अरे तुम सुनोगी तो तुम भी हंस पड़ोगी कोकी। नहीं, मैं इस वक्त सोने के मूड में हूँ, हंसने के मूड में बिल्कुल नहीं। अरे सुनो ना कोकी, प्लीज सुनो। अच्छा बोलो। कोकी, इस कहानी का जो हीरो है वो गाँव से गुजर रहा है। अच्छा, गाँव से गुजर रहा है। कट्टू शहर में, कट्टू शहर में दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं। ये कट्टू क्या होता है? कट्टू वो होता है कोकी, एक सीन कुछ ज्यादा बोरिंग हो जाता है तो उसे कट करके दूसरा सीन डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कट्टू कट्टू कट्टू, मैं सोने जा रही हूँ। अरे कैसी बीवी हो, कैसी बीवी हो, तुम्हारा पति पहली बार कॉमेडी सीरियल के डायलॉग्स लिख रहा है और तुम सुनने को राजी नहीं हो। अच्छा बोलो, दो लोग शहर में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आगे आगे, एक कहता है आसमान में सूरज है। नहीं, जोक बाकी है कोकी। अच्छा। बाकी है। एक कहता है आसमान में सूरज है और दूसरा कहता है नहीं, आसमान में चांद है। बाकी है, जोक बाकी है। रात के 3 बजे मुझे बाकी जोक्स नहीं सुनने, प्लीज गुड नाइट। कैसी बीवी हो कोकी, कैसी बीवी हो, कला की कदर भी नहीं करती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रेमा जी को फोन करता हूँ, वो मेरी कला की कदर करेगी। हेलो प्रेमा जी, मैं केशु बोल रहा हूँ। वो स्क्रिप्ट के जो डायलॉग्स है ना प्रेमा जी, मैंने लिख लिए। मैं हेलो हेलो, फोन रख दिया। मुझे लगता है रात को 3 बजे कला की किसी को कदर नहीं। थोड़ी बहुत कदर है। आहूजा का बेडरूम, बेडरूम में आहूजा येलो कलर का सूट पहन रहा है। सूट पहनने के बाद आहूजा 1.5 करोड़ का बैग उठाता है, नीचे जाता है, अपनी ग्रीन कलर की गाड़ी में बैठता है। कट्टू तलरेजा का बंगला, तलरेजा के बंगले का स्विमिंग पूल, तलरेजा स्विमिंग पूल में से रेड कलर का, लाल कलर का 3-पीस सूट पहनकर बाहर निकलता है। और क्या हुआ लक्ष्मी? सर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, चक्कर आ रहा है। ओह चक्कर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम जाओ। कमाल है, जिसको भी सुनाता हूँ चक्कर आने लगते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो केशव? स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ गोखले। अरे यार तुम्हारा स्क्रिप्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ? अरे वैसे तो 4-5 बार पूरा हो गया था, लेकिन क्या करूँ, जिसे भी सुनाता हूँ चक्कर आने लगते हैं, मूड खराब हो जाता है। कल कोकी को सुनाई तो मेरा मजाक उड़ाने लगी, अभी अभी IBM लक्ष्मी को सुना रहा था तो उसे चक्कर आने लगे, और वहां से दिलरुबा का फोन पर फोन आ रहा है, स्क्रिप्ट तैयार है कि नहीं, तैयार है कि नहीं, शूटिंग कल शूटिंग है। हेलो, अबे इडियट, कितनी बार कहा तैयार हो जाएगी 1.5 घंटे में, कितनी बार फोन करेगा तू इडियट, कोई काम नहीं है क्या तेरे को? फोन रख, रख। अरे शांत हो जाओ केशव, शांत हो जाओ। मुझे एक बात बताओ, दिलरुबा का बच्चा वहाँ क्या कर रहा है? अरे वो चिलकुट प्रोडक्शन मैनेजर है ना। मेरा मतलब है प्रोडक्शन मैनेजर है वो। हाँ केशव, तुम्हें काम करना, शूटिंग लोकेशन पर जाकर ही स्क्रिप्ट लिखना। वो क्यों? अरे यार सब लोग समझेंगे तुम बड़े बिजी राइटर हो, और एंड मौके पर स्क्रिप्ट दोगे तो डायरेक्टर को करेक्शन का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे वाह गोखली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम कर, तू ये सारे जो पेपर्स हैं वो कचरे की टोकरी में डाल दे। कचरे की टोकरी में मत डाल। क्यों? अरे यार इस डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिए तो किसी और डायरेक्टर को चिपका देना। शूटिंग की सारी तैयारी हो गई? हाँ, लाइटिंग वाइटिंग सब हो गई है डॉल। Good. Let's start shooting. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या छोटी सी प्रॉब्लम है? हीरो अब तक नहीं आया और शायद आने वाला भी नहीं है। हीरो नहीं आया और नहीं आने वाला है,
तो फिर शूटिंग कैसे करेंगे बे? वो कहीं आउटडोर में फंसा हुआ है। एक काम करते हैं, उसका बगैर शूटिंग कर लेते हैं, अब बाद में उसकी डबिंग करवा लेंगे। उसके बगैर शूटिंग कर लेते, डबिंग करा लेते। ओह माय गॉड, लेकिन ये हीरो लोग ऐसा क्यों करते हैं बे? डॉल, आजकल के सभी हीरो ऐसा ही करते हैं। रोल मिलने से पहले पापा जी तुझे तोप रोल दे दो, पापा जी तुझे तोप रोल दे दो, और उसके बाद जब डेट मांगो तो डेटा तो सारियां गई हुई ने ऐसा बोलते हैं। उसके बगैर ही शूटिंग करते हैं, गैया हुईया ने। स्क्रिप्ट कहाँ है? मैं कैंसिल करती हूँ उसके से। केकड़े को 10 बार फोन किया कि स्क्रिप्ट लेकर आ, आता ही नहीं है वो। अभी तक प्रिमा जी, प्रिमा जी ये लीजिए स्क्रिप्ट, गरम गरम है। गुड ठीकू जी, लेकिन आपने कितनी देर लगा दी, आप तो पहले एपिसोड से ही बड़े राइटर बन गए। ऐसी बात नहीं है प्रेमा जी, वो क्या था आपने कहा था, स्क्रिप्ट जरा हट के लिखना, इसलिए हटते हटते जरा देर हो गई। जरा पेन दीजिए प्लीज। मेरी तो लिखते लिखते इंक खत्म हो गई। ए प्रोडक्शन, जरा पेन देना। पेन की क्या जरूरत है आपको? थोड़े करेक्शंस करने हैं हीरो का सीन। प्रेमा जी, ये करेक्शन है या रिजेक्शन है? नहीं, थोड़ी सी कैंसिलेशन है, मैं हीरो के सीन थोड़े काट रहे। लेकिन हीरो के सीन काट देंगे तो स्क्रिप्ट छोटा पड़ जाएगा प्रेमा जी। नहीं छोटा पड़ेगा, जितने टाइम से छोटा पड़ेगा उतने टाइम में मैं दिल का भाषण डाल दूंगी। इनका भाषण? अरे इनको तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। खामोश खामोश। So what? प्रीमियर एपिसोड में ऐसा ही तो होता है, जिसे बोलना नहीं आता उसका लंबा सा भाषण होता है। Okay, so shall we start shooting now? लेकिन प्रेमा जी, केकू जी, प्लीज कीप क्वाइट। आप सिर्फ राइटर हैं सेट पर, मैं तो डायरेक्टर हूँ। ओके, काम करो। एक्शन।